उत्तर प्रदेश के बस्ती में शुक्रवार को राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों सदस्यों ने किसान अधिकार ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। जिलाध्यक्ष हृदय राम वर्मा के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तिरंगा यात्रा पटेल चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंची। यहां अधिकारियों से लंबी वार्ता और नोक झोंक के बाद जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद जिलाधिकारी से वार्ता के दौरान भाकियू के प्रदेश सचिव दीवान चंद पटेल, पूर्वांचल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभा राम ठाकुर, मंडल अध्यक्ष मार्तेंद्र प्रताप सिंह आदि ने किसान समस्याओं, ब्याज समेत गन्ना मूल्य भुगतान, बिजली संकट, बस्ती को सूखा ग्रस्त करने आदि का मुद्दा उठाया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने भाकियू पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि अगस्त के अंत तक गन्ना मूल्य भुगतान करा दिया जाएगा, अन्य समस्याओं का भी प्राथमिकता से निराकरण होगा। पूरे प्रदेश में हमारे जो संगठन के मुखिया हैं आदरणीय नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी के आह्वान पर हर जिले में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाल करके जो किसानों की समस्या है वो किसान डीएम को अवगत कराने के लिए आया। जो और मांगे हैं जैसे एमएसपी पर कानून बनाना, किसानों को का कर्जा माफ करना, बिजली का जो इस समय तांडव चल रहा है वो तो कलेक्टर के हाथ में है, एफपीएन के हाथ में है। अगर किसान के पास गन्ना मूल्य का पैसा नहीं आ रहा है तो किसान कहाँ पे पेमेंट करेगा बिजली विभाग को? उसमें तहसीलों में आरसी जारी की जा रही है, किसान का उत्पीड़न हो रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे किसानों को, और जो ट्यूबवेल का पानी है वो मुफ्त है, नहर का पानी मुफ्त है। अगर किसान कहीं तार लगा करके उसके खेत पे तार और खंभा गया है उसमें लगा करके अपना 2 बीघा 1 बीघा सींच रहा है तो इनके विभाग के जेई और लाइनमैन तार और मोटर उठा करके सीधे फीडर पर ले जाते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।